हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, अभी नवंबर 23 की तैयारी सब लोग कर रहे हैं, और सीए इंटर के बच्चे, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये अभी टेंशन आ रहा है कि सर, हम नवंबर 23 में बोथ ग्रुप्स देना तो चाहते हैं, बट अभी तक हमारा ग्रुप वन कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रुप वन की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, आइडियली आपका जो ग्रुप वन का कोर्स कंप्लीशन डेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 31st ऑफ मई। मतलब 31st ऑफ मई तक आपके ग्रुप वन की पढ़ाई हो जानी चाहिए। अगर आपने क्लासेस भी ले रखी हैं, अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, तो आपका 31 मई तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ग्रुप वन के चारों सब्जेक्ट हो जाने चाहिए 31 मई का। अगर 2 तारीख, 3 तारीख, 2 जून, 3 जून तक होता है तो भी चलेगा। बट मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अप्रोक्स 50% स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने टाइम पे तो शुरू किया था ग्रुप वन की पढ़ाई और जोश से शुरू किया था, बट अभी तक वो आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या 70% सिलेबस तक ही पहुंचे हैं। और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि सर, सोचा तो था कि दोनों ग्रुप करेंगे, बट अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमें सिंगल ग्रुप पे स्विच हो जाना चाहिए। रुकिए, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको, मैं बता रहा हूं कि बहुत आपको हेल्प हो जाएगी और आपको एक डिसीजन लेने पर आप आ जाओगे कि यस, हमें बोथ ग्रुप करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। मैंने आपको जैसा बोला कि 31 मई शुड बी द आइडल डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ग्रुप वन की पढ़ाई, ग्रुप वन के चार कोर्सेस, चारों सब्जेक्ट्स। मतलब 1 जून से आपका ग्रुप टू के चारों सब्जेक्ट शुरू हो जाने चाहिए। बट अगर आपका कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, इन्होंने बोला सर, हमारा कॉस्टिंग तो अभी हमने उठाया ही नहीं है। कुछ बच्चों ने बोला सर, इनकम टैक्स और जीएसटी अभी बहुत सारा बचा है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर, शुरू में लाइव देखा था पर बाद में हम स्लो पड़ गए और हम फिर रिकॉर्डेड मोड पे आ गए, फिर हम डेली लेक्चर्स पे देख, डेली बेसिस पे देख नहीं पा रहे। अब जब हम देख रहे हैं तो ना, हम सर 1.5 की स्पीड पे देख रहे हैं, 1.8 की स्पीड पे देख रहे हैं। एक आपको मैं डिस्क्लेमर दूंगा बेटा, 1.5 की स्पीड, 1.6, 1.7 की स्पीड आपके काम नहीं आने वाली। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, एग्जाम में आपको रिवीजन करते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक मेरा स्टूडेंट है, मैं उसका नाम लूंगा साहिल, जिसने अभी रिसेंटली मई 23 में एग्जाम्स दिए, वो मेरा फेस टू फेस का बच्चा था। उसने मुझे बोला कि सर, मैंने लास्ट के 15-20 दिन की क्लासेस फेस टू फेस ना लेके ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया, डाउनलोड करके देखा। सर, मैं लेक्चर्स देखता था पर मैं 1.2 की स्पीड पे देखता था, वो भी प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है मैं उसको नॉर्मल स्पीड 1 पे देखता था। और जो उसके दोस्त थे, उसने बोला सर, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो 1.8, 1.5 पे देखते थे, पर लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि सर, हमने बहुत बड़ी गलती कर ली और बाद में 1.5 के चक्कर में हमें रिविजन के टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम लगा, और साहिल को इतना टाइम नहीं लगा रिविजन के टाइम पर। तो जो बच्चे 1.5, 1.6 की स्पीड पर देख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप 1.2, 1.3 की स्पीड पर लेक्चर्स देखिए, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके देख रहे हैं तो। मुद्दे पे आते हैं कि सर, अगर हम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, मान लीजिए हमारा 31 मई तक हमारा कोर्स वन, ग्रुप वन का कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। आप पीछे चल रहे हो शेड्यूल के, अब मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है। आइडियली देखो, ध्यान से आप इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को देखो। मैं 1 नवंबर 23 को मान के चल रहा हूं हमारे एग्जाम शुरू होंगे, फर्स्ट को शुरू होंगे, सेकंड को होंगे, थर्ड को होंगे, ठीक है। मतलब वो अपन बात की बात है, वो डेट स्पेसिफिक मैं नहीं आ रहा हूं, 1 नवंबर मान के चल रहा हूं। आइडियली अगर आप दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हो तो आपको दोनों ग्रुप के लिए 2 महीने चाहिए, मिनिमम आपको 2 महीने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप स्टैंडर्ड 2 महीने भी देते हो ना, 10 आवर्स इन अ डे के हिसाब से, तो 2 मंथ्स में अगर 60 डेज भी अगर पकड़ के चलो और 10 आवर्स इन अ डे इफेक्टिव स्टडी पकड़ के चलो, तो आपके पास 600 आवर्स है। 600 आवर्स कम नहीं होते बेटा, 600 बहुत बहुत ज्यादा होते हैं 600 आवर्स। तो 600 आवर्स में आप 2 महीने में ग्रुप वन और ग्रुप टू को मिलाकर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। मतलब 1 महीना ग्रुप वन को, 1 महीना ग्रुप टू को, या फिर एक सब्जेक्ट ग्रुप वन का, एक सब्जेक्ट ग्रुप टू का, कॉम्बिनेशन ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप वन एंड वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप टू करके आप 2 महीनों में आराम से कंप्लीट कर लोगे विथ मॉक टेस्ट। अब जब आपको 2 महीने चाहिए तो इसका मतलब आपको 1 सितंबर तक आपके दोनों ग्रुप की सिलेबस, पढ़ाई कंप्लीट हो जाने चाहिए, आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए 1 सितंबर तक। मतलब 1 सितंबर क्या हो गई, डेडलाइन। अब अगर 1 सितंबर आपकी डेडलाइन हो गई तो इसका मतलब 1 सितंबर से पहले आपको सेकेंड ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए कितने मंथ चाहिए, आपको चाहिए 2 महीने। 1 सितंबर से पीछे और जाएंगे तो 1 जुलाई, इस पूरे पीरियड में आपको सेकेंड ग्रुप का प्रिपरेशन करना है। हाँ, यहां मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर आप ऑफलाइन बेसिस पे करेंगे, ऑफलाइन बेसिस पे करेंगे मतलब आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके करेंगे, ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। बेसिकली अगर आप लाइव मोड में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 जुलाई में मुझे कोई लाइव पढ़ा दे, फैकल्टी के साथ पढ़ा दे, मैं आपको बता दूं बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम आप देख लीजिए, पुणे के फैकल्टीज का देख लीजिए, कहीं और के फैकल्टीज का देख लीजिए, मैक्सिमम 1 जून या
फर्स्ट जून से 10th जून के बीच में लाइव लेक्चर शुरू हो रहे हैं। तो पहले तो आपको अपने दिल को मनाना पड़ेगा कि बस मैं अगर पीछे चल रहा हूं तो मुझे ऑनलाइन डाउनलोड करके ही लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, और एट मैक्स मुझे 1.2 की स्पीड पर लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, 1.2 से ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। तो 1 जुलाई से भी अगर आप अपनी ग्रुप 2 की पढ़ाई कर सकते हो स्टार्ट, तो 1 जुलाई से लेकर जुलाई का पूरा मंथ, अगस्त का पूरा मंथ, 2 महीने में आप आराम से आप 2 महीने में चारों सब्जेक्ट कर सकते हो विथ ओनली 1.2 स्पीड पर, 1.2x, 1.2 किसी को 1.1 ऐसे करके, मतलब 2 महीने में आपका सेकंड ग्रुप आराम से प्रिपेयर हो सकता है। अब अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब चल रहा है मई मंथ का लास्ट वीक, मतलब अगर आप शेड्यूल में पीछे चल रहे हो, ग्रुप 1 की आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, आपका कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है, आपका आधे आधे सब्जेक्ट करके बचे हुए हैं, आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको प्लान करना है कि किसी भी हाल में आपका ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट 1 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएं। मैं कहूंगा बल्कि 1 जुलाई भी नहीं, आपको मैं कहूंगा 25th जून तक आपका हो जाए, क्योंकि अगर आपने 30th जून का टारगेट बनाया तो आपके मन में एक मेंटेलिटी क्रिएट होगी कि अरे यार चलो दो चार दिन का ब्रेक ले लेते हैं। तो इसीलिए आप 25 जून, मैंने क्या बोला 25 जून, 25 जून का आप डेडलाइन सेट कर दो कि मुझे ग्रुप 1 की पढ़ाई किसी भी हाल में कंप्लीट करनी है, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं किसी भी हाल में, भले उसके लिए मुझे फिर 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे लेक्चर्स देखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अब यहां पर आप इस मोमेंट पर यह डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए कि एक सिंगल ग्रुप देना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं आपको डिसाइड करना है या तो यहां डेडलाइन पर 1 जुलाई पर आपको आपकी पोजीशन चेक करनी है, अगर 1 जुलाई तक आप फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर चुके हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत अच्छी स्पीड कर रहे हो और आप जुलाई से लेकर सितंबर तक आप ग्रुप 2 भी आराम से कर लोगे, ठीक है। और इस मोमेंट पर तो मैं कहता हूं कि यहां पर सोचना भी नहीं है, जब एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम आएगा उस मोमेंट पर डिसाइड करेंगे कि हमें दोनों ग्रुप करने हैं कि हमें सिंगल ग्रुप करना है। अब मैं आपको एक और बोनस टिप देता हूं कि खुदा ना खास्ता मान लो किसी कारण से आपका 1 जुलाई तक भी ग्रुप 1 प्रिपेयर नहीं हो पाया, एंड देन टू यू आर इन अ मूड कि भाई मुझे ग्रुप 2 भी देना है, ग्रुप 1 तो आपका कंप्लीट अभी 1 जुलाई तक भी नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपका एक बैकअप प्लान होगा कि ग्रुप 1 को पूरा कंप्लीट कर दो और ग्रुप 2 के कोई 2 सब्जेक्ट चूज करो। यस, अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारा ये कॉम्बिनेशन भी चल रहा है कि हम 4 सब्जेक्ट क्यों दें, नवंबर 23 में अगर हम 8 सब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं तो 4 क्यों दें, हम 6 सब्जेक्ट दे दें, ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट और ग्रुप 2 के कोई भी 2 सब्जेक्ट। अब ये कोई भी 2 सब्जेक्ट में ये आपको तय करना है कि आपका थ्योरी आपका स्ट्रांग है तो आप ऑडिट और EISSM पे जाइए, आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आप एडवांस अकाउंट्स और FMEFF पे जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन चाहिए तो एडवांस अकाउंट्स ऑडिट या एडवांस अकाउंट्स EISSM या FM के साथ कोई ऑडिट और EISSM ऐसे ले सकते हो। तो एक बैकअप प्लान आप ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, अगर आपका कोर्स लेट खत्म हो रहा है, जुलाई के बाद जा रहा है ग्रुप 1 का कोर्स, तो भी आप मान लीजिए 15 जुलाई को आपने ग्रुप 1 कंप्लीट किया, जो कि मैंने आपको बोली है डेडलाइन 1 जुलाई, 15 जुलाई को कंप्लीट किया, अब आप क्या करोगे, अब आपको चूज करना है कि मुझे कौन से 2 सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं ग्रुप 2 के जिसको मैं प्रिपेयर करूं। हाँ, तो ऐसे केस में वो जो 2 सब्जेक्ट आप डिसाइड करोगे आपकी उसकी प्रिपरेशन तो आसानी से हो जाएगी, बल्कि 1 सितंबर से पहले पहले आप कंप्लीट कर लोगे क्योंकि आपके पास 2 ही सब्जेक्ट रहेंगे ग्रुप 2 के। तो ऐसे केस में आप नवंबर 23 में 8 के बजाय 4 सब्जेक्ट का प्लान करके करे बिना आप 6 सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हो और ये बेटर तरीका है। तो मैंने आपको जो समझाया आप ध्यान से समझ लीजिए, सबसे पहले तो अपनी डेडलाइन तैयार कर लीजिए, उसके बाद आपके पास 2 महीने आपके पास होने चाहिए ग्रुप 2 की प्रिपरेशन के लिए, कंसीडरिंग 1.2 की स्पीड, 1 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आपके पास 2 महीने होने चाहिए पूरी प्रिपरेशन के लिए, जहां पर आपको क्लासेस नहीं देखनी है, जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपने इस बार मई 23 में एक चीज देखी होगी, जैसे अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी आया था, और ऐसे भी FMECO का पेपर भी इस तरीके से अच्छा पेपर आया था। तो बेटा आप ना ये मत एक्सपेक्ट करो कि ना नवंबर में एग्जाम होंगे, उससे पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले वन डे मैराथन देख लेंगे। बेटा वन डे मैराथन कैन नॉट बी योर इन शुड नॉट बी इन योर प्लान, आपके प्लान में नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जो रैंकर्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन प्लान करते हैं, वो कभी वन डे मैराथन के बेसिस पर नहीं चलते। आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे 2 महीने पढ़ाई करनी है, खुद की पढ़ाई करनी है, मुझे टीचर्स के लेक्चर्स नहीं देखने, मुझे रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखने, और थोड़ा बहुत अगर कुछ लेक्चर देखने की जरूरत पड़े किसी टॉपिक में तो वो एक लेक्चर। तो ये आपका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज
हिट द लाइक बटन, आप सब्सक्राइब करके चलिए और ये चीज अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और प्लीज आप मुझे कमेंट में बता के जाइए कि आपकी प्लानिंग क्या चल रही है। कमेंट में अगर आप मुझे बताएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर करेंगे, तो उसके बेसिस पर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट पे शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि 1 जून से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं ग्रुप 2 के, ठीक है। 1 जून से हमारे फेस टू फेस बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 1 जून में जो हमारे ऑनलाइन डाउनलोड लाइव एट होम पेन ड्राइव गूगल ड्राइव के जो ऑप्शन होंगे वो भी शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बो हैं। और सबसे बेहतरीन बात, 25 मई तक प्री बुकिंग का डिस्काउंट भी बहुत अच्छा चल रहा है एडवांस अकाउंट्स के ऊपर 2000 रुपए का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ये पूरा आपको पैम्पलेट भी मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से एक टारगेट आपके अपना सेट कर पाओगे, और अगर हाँ तो मुझे जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। गाइस आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो बना सकूं। थैंक्स अ लॉट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।